एक्शन। हाय, मैं हूँ शर्मिष्ठा और आप मुझे देख रहे हैं सीने स्पीक्स पे। शर्मिष्ठा, बिग बॉस मराठी सीजन 2 का आगाज है, क्या कहना चाहते हैं, कितने एक्साइटेड हैं? अरे बहुत एक्साइटेड है हम लोग तो, मतलब हमारे जैसे ही कोई तो पैशनेट पागल लोग आने वाले हैं सीजन 2 के लिए। पागल में अच्छे मायने से बोल रही हूँ, क्योंकि हम भी बिग बॉस ये शो के लिए पागलपन जो चाहिए तो वो कौन होगा वो देखने के लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड। ओके, अगर मैं बात करूँ थीम की, क्या हो सकती है थीम इस साल? वो मुझे पता नहीं, बिकॉज ऐसे तो बीच में सोशल मीडिया पे ही आया था कि गांव और शहर ऐसी थीम है, बट आई डोंट नो, जितना कुछ आपको पता है उतना ही मुझे पता है। एक साल हो चुका है, कितना चेंज हुआ आपके ज़िंदगी में बिग बॉस के बाद? बहुत बहुत। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो मस्ती फिल्म का गाना है उर्मिला मातोंडकर का, रुकी रुकी जिंदगी झट से चल, तो ऐसे ही हुआ है मेरे लाइफ में भी, क्योंकि 2 साल मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से मैं घर में ही थी, बहुत सब कुछ बंद हो चुका था, ये सब हुआ था। बट बिग बॉस शो ने वहाँ के कंटेस्टेंट्स जो है, मेरे जो फ्रेंड्स है, उन्होंने और बहुत सपोर्ट किया, और शो की वजह से मैंने खुद में एक कॉन्फिडेंस पाया, जो मुझे ये पता चला कि मैं अगर घर में अकेले ये सब कर सकती हूँ तो बाहर की दुनिया में क्यों नहीं। और जैसे ही बाहर आई तो कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो चुका था। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, क्या आप फिर से घर में जाना चाहेंगी सीजन 2? यस, व्हाई नॉट, कभी मौका मिला गेस्ट बन के जाने का? हाँ, तब भी जाएंगे, कुछ भी हो जाए बिग बॉस के लिए सब कुछ करेंगे। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ आपकी दोस्ती की, दोस्ती कितनी बनी हुई है आपके कंटेस्टेंट्स के साथ? बहुत 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 गहरी दोस्ती बनी हुई है। मेघा, मैं हम तो मिलते ही मिलते हैं, बट सही पुष्कर मैं और मेघा हम भी मिलते हैं। अभी हम लोग 4 या 5 दिन पहले 14 तारीख को, आई थिंक यस 14 को हम लोग लाइव आए थे इंस्टा पे चारों जन। आऊ के साथ तो हमेशा एक प्यारा रिश्ता माँ वाला है, वो वैसा ही रहता है। और हाँ, ये सेकेंड ग्रुप के अगर से आप हमें पूछोगे तो फिर रेशम तई और आस्था और स्मिता, इनके साथ बहुत ही अच्छे कॉन्टैक्ट। कंटेस्टेंट्स को क्या क्या टिप्स देना चाहेंगी सर्वाइवल के वहाँ पर? लेट गो करो, कोई मन पे मत लो, ये खेल है, खेल के जैसे खेलो, और जो मैदान में है वो मैदान में ही छोड़ो। घर के अंदर जाते वक्त वो टास्क का अफेक्ट आपके घर की अंदर की लाइफ पे मत होने दो, जैसे प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ अलग रहती है, वैसे ही टास्क और अपनी जो ये लाइफ है, घर की लाइफ, वो अलग रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।